ये गांव है कोरिया का, आज विजिट करेंगे साउथ कोरिया का विलेज। इनका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, इनका रहना सहना कैसा है, इनके गांव में क्या क्या होता है। यकीनन गांव की, यहां के इन लोगों की ज़िंदगी देखेंगे तो एंजॉय भी करेंगे, बहुत सी मालूमात भी मिलेगी, यहां का लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है वो भी देखने को मिलेगा कि कोरिया में ये गाँव है मेरे भाई। साउथ कोरिया में नॉर्मली घर बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। ये गांव देहात है, यहाँ पर घर इसलिए बड़े हैं, अंदर आप देखेंगे तब भी कमरे छोटे होंगे, पलंग या फिर चारपाइयाँ बिल्कुल नहीं होती हैं, नीचे ज़मीन पे सोना पसंद करते हैं। और यहाँ पे अगर ये गाड़ी की बात की जाए तो ये पाकिस्तानी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 हज़ार रुपये की भी नहीं है, बल्कि 40-50 हज़ार रुपये की होगी, ज़्यादा महंगी नहीं है। और मगर यहाँ पे भूम बहुत ज़्यादा, मतलब टैक्स वगैरह ज़्यादा, उस वजह से लोग गाड़ियाँ रखना थोड़ी सी मुश्किलात इसलिए होती हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाए, ये वो हो जाए, तो गाड़ी से ज़्यादा उस पर जुर्माना आ जाता है। ये अभी घर है, घर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये बाहर तीन चार फीट से इर्द गिर्द शीशा इसलिए लगाया जाता है ताकि सर्दियों में सर्दी अंदर ना जा सके और गर्मियों में गर्मी अंदर ना जा सके। घर जो है काफ़ी अंदर से स्टार्ट होता है, आप ये देख सकते हैं घर के। और यहाँ पे ये गाड़ियाँ जो हैं हमारे सियासतदान जो हैं वो ले के फ्राटे खराटे मारते हुए जाते हैं। यहाँ पे एक आम मजदूर, आम किसान, आम सा बंदा भी जो है इस तरह की गाड़ी रखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आगे चलते हैं। और ये जो किया हुआ है ना, ये सब बर्फ़बारी से बचने के लिए, अंदर जो भी इन्होंने लगाया होगी सब्ज़ी वगैरह, आने वाले वक्त में बर्फ़बारी होगी उससे ये सारे ख़राब हो जाते हैं, तो ये ज़मीन के ऊपर इस तरह के ये लगाया जाता है ताकि ठंड से बच के वो जो सब्ज़ी या जो भी अनाज है वो महफूज रहे। जैसे पाकिस्तान गांव में ट्राली ये वो सब चीज़ें होती हैं, यहाँ पर भी बहुत ही शौक से कुत्ते भी रखे जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे कुत्ते हैं यहाँ पे, कुत्ता इनका फेवरेट जानवर है, बहुत शौक से पालते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और गाँव के अंदर का माहौल देख सकते हैं, ट्राली रेडी ये वो सब कुछ, और बहुत से बागात से टाइप से लगाए हुए हैं। योगी छाव में पास आया, योगी साउले सो खुर के बिल्डिंग उमछुक माना, योगी विलेज सो पास मो इप्पो के नामो इसो खांगा जी इसो खुर के खुर के बोयो बाल छाड़े ना हंगमर ये ओदे हिस्सा है हंगो हंगो के ओदे हिस्सा है मैं नहीं था सर, जिकम शिल्लियन नमूस है। ओह उड़े ही सुनना है। ये जैसे पाकिस्तान गांव में भी लोग जो है घरों के अंदर खेती बाड़ी लगा लेते हैं, मिर्ची टमाटर वगैरह, कोरिया में भी ऐसे ही किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये घर है और घर के अंदर जो है ना, ये घर के अंदर की चार दीवारी में इन लोगों ने घर के अंदर टमाटर मिर्ची और इस तरह की पुदीना अदरक लहसुन वगैरह लगाया हुआ है। और वो अम्मा जान जो है वो शायद गोडी वगैरह कर रही हैं, और कोरिया में ये करना बहुत पसंद किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के पौधे दरख्त भी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये इन लोगों ने ज़मीन, इस ज़मीन पे बिल्कुल जो है ना कोई भी चीज़ नहीं उग सकती है, तो इन लोगों ने थोड़ा सा ज़मीन जो है तकरीबन 5 से 6 इंच की जो मिट्टी है वो अलग टाइप की लगा के उसके ऊपर गोडी करके बड़ा तरीके सलीके से अनाज भी उगाया जा रहा है, क्योंकि ये आने वाले वक्त में सर्दी में ये मुरझा जाएगा, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऊपर ये जो है इन लोगों ने ये प्लास्टिक टाइप का लगा दिया हुआ कवर। उन्होंने नई प्लास्टिक लगाना शुरू कर दिए क्योंकि अभी आने वाले वक्त में बर्फ़बारी बहुत होने वाली है। ट्रैक्टर खड़ा है, इसके अलावा यहाँ पे पानी देने का निज़ाम कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान की तरह जगह जगह ट्यूबवेल नहीं लगाए हुए, बल्कि इस तरह का टैंक जो है वो जहाँ पर भी इन लोगों ने फसल या कोई भी चीज़ लगाई होती है अनाज, तो ये टैंक जो है पानी सप्लाई करता है उन अनाज तक। इधे होता कथा छो आया ये भाई ये मुझसे पूछ रहे शादी की है या नहीं, गर्लफ्रेंड है या नहीं, कितना टाइम हो गया, मैंने बताया 7 साल। और ये जो है कुत्ते जो हैं बहुत ही शौक से पालते हैं, क्योंकि सो आने सो मो मानी नामू मानी मानते थे। मैंने इनसे ये पूछा कि आपने ये जो दरख्त लगाए हुए तो ये किस चीज़ के, मैंगो के हैं, किस चीज़ के हैं, क्योंकि उसको भूख सा लगा हुआ था, दूर से मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा था, यकीनन मैंगो तो नहीं था, मगर मैं पूछना चाह रहा था किस चीज़ के, तो उसने बोला कि ये खाम कोई इनका कुछ फ्रूट है उसके हैं, और ज़्यादा नहीं लगाए हुए, 3-4 लगाए हुए, और जो फ्रूट के जो बड़े हैं वो फार्म हाउस होते हैं वहाँ पर ये ना फ्रूटों के ज़्यादा दरख्त लगाए जाते हैं।
ये गाड़ी जो है खटारा करके फेंकी हुई है, ये मत समझिए किसी ने इस्तेमाल में, ये ऐसे ही फेंकी हुई है जैसे कि अभी कचरा है। ये गांव का कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं ये कब्रों के ऊपर जैसे कि ये नाम पता लिखा हुआ है, और अगर अंदर जाके देखा जाए वैसे तो कोरिया में नॉर्मली बंदे को जला के राख उसकी उड़ा दी जाती है अगर वो गरीब है। अगर वो अमीर है तो इस तरह जो है उसकी कब्र बनाई जाती है, राख जो है ज़मीन के अंदर डाल के इस तरह मकबरा सा बना दिया जाता है। ये देख सकते हैं ये मुख्तलिफ कब्रें, और जो जितना अमीर होगा उसकी कब्र उतनी बड़ी होगी। ये शायद कुछ सब्जी है, यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है जैसे ये तंबाकू है, मगर मालूम नहीं है कि ये तंबाकू है या सब्जी है क्या है, मगर खैर कुछ भी है। यहाँ पे तंबाकू या इस तरह की कोई भी मंशियात लगाने पे सख्त पाबंदी है, कोई भी बंदा गैर कानूनी काम नहीं कर सकता है। बुलंदी पे आए हूँ, हवा बहुत तेज चल रही है, मौसम बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे तो लग रहा है कि यहाँ पे धूप है मगर बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत हो, पीछे जो आपको ये कंटेनर टाइप के नज़र आ रहे हैं ये घर हैं, बिल्डिंग्स हैं या फिर कंपनीज हैं, ये बहुत ही शानदार और पायदार हैं। इससे सर्दी नहीं जाती है, गर्मी नहीं लगती है। यहाँ पे ये लोग सीमेंट से बना हुआ काम नहीं ज़्यादा करते, ये कंटेनर टाइप ही होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, वाह ज़बरदस्त यार। अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है, अभी बहुत आगे जाना है। हवा कह रही है, गटा कह रही है, हंसी ये नज़ारा है, दिल ना ये मानेगा, दिल ना ये जानेगा, दिल का इशारा है मोहब्बत ने, मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। इसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, दुनिया दी उस नुक्रे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। ये बिल्कुल गांव और देहात है, ऐसा नहीं है कि ये शहर है, मगर यहाँ पे आप खूबसूरती नोट कर सकते हैं, डिसिप्लिन नोट कर सकते हैं, बिल्कुल गांव, और गांव के अंदर बनी हुई कंपनीज देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ सुथरी कंपनीज डिसिप्लिन के साथ। और मौसम इतना प्यारा हो रहा है, आप देख सकते हैं फूल खिले हुए, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हमारे सियासतदान जो हैं ऐसी गाड़ियों पे फराटे खराटे मारते नज़र आते हैं, यहाँ पर ये लोग देखें, आम किसान या आम मजदूर भी रख सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। का माहौल है बिल्कुल, ये गांव के अंदर आ गए। ये मुख्तलिफ किस्म के इन लोगों ने क्या जो साग वगैरह है या इनका जो भी पत्ते हैं वो खाते हैं वो देख सकते हैं, और ये गांव के घर हैं, ये रेडीमेडी पाकिस्तान जैसी। और अगर मच्छी देखी जाए तो मच्छियाँ आप देख सकते हैं, मच्छियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। गाँव के घर भी बड़े साफ़ सुथरे टाइप के हैं, ये बना हुआ कंटेनर है, कंटेनर को काट पीट के इस तरीके से बनाया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत ज़बरदस्त टाइप का जो है ये घर है। गलियाँ ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन। रहने का इनका मकई की फसल आ गई है,
मकई लगी हुई है। लोगों के घर देखे जाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत घर बना रहे हैं अभी ये लोग। पहले इस टाइप के नहीं होते थे, पहले बिल्कुल ही खटारा टाइप के होते थे, मगर जब से ये लोग अमीर हो गए तो घरों का लाइफ स्टाइल देख लें, घरों का स्टाइल देख लें। जो है वो पहले जो जब बादशाह दौर होता था तो इस तरह के घर बनाना पसंद करते थे। अभी भी नज़र आएंगे, कम नज़र आएंगे, बहुत कम इस टाइप के घर, मगर अभी आपने देखा है कि अभी किस टाइप के हैं। बेर लगे हुए शायद बहुत ज़्यादा। वो जो कोरियन अभी मुझे मिला था वो मुझसे खाने का पूछ रहा था कि आपने खाना खा लिया है, तो मैंने उसे कहा कि मैं कुछ देर के बाद खाऊंगा। कोरिया में ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आपकी एज पूछी जाती है। जब इससे पहले भी बात हुई तो उसने पहले एज पूछी, फिर उसके बाद ये लोग खाना खाने का पूछते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि ज़्यादा खाना खाओ। ये इनमें बहुत ज़बरदस्त बात है। फिर उसके बाद हाल अहवाल, उसके बाद गाँव देहातों के घरों के स्टाइल बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। ये घर है, ये घर है, कोरिया में एक और बात जो मैंने नोट की है, पाकिस्तान की तरह यहाँ पर ना बैल बकरी भैंस वगैरह गांव देहातों में रखने की इजाज़त नहीं है। उनके अलग अलग फार्म हाउस होते हैं, वहाँ पे रखे जाते हैं, वहीं से गोश्त सप्लाई होता है, वहीं से दूध सप्लाई होता है। यहाँ पे सिर्फ कुत्ता रखने की इजाज़त है। और इसके अलावा मैंने जो नोट किया है कि यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा है। गाँव देहातों में भी मैंने नोट किया है कि यहाँ पर एक और बात नोट की है कि एजड लोग ज़्यादा हैं, जो यंग लोग हैं वो यहाँ पर मेरे को बहुत कम देखने को मिले, बहुत ही कम। ज़्यादातर 70-80 साल 90 साल के लोग मिले और वो ही खेती बाड़ी करते हुए। जैसे कि आमतौर पर पाकिस्तान में भी जो यंग लोग होते हैं वो शहरों की तरफ चले जाते हैं कमाने के लिए, और जो बुज़ुर्ग हैं वो गांव देहात में ही रहते हैं। सिर्फ यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। आगे देखते हैं, अभी भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ खाने को मिल गया। पूछते हैं यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, या क्या तरीका है यहाँ पर खाना खाने का, देखते हैं आगे जाए। तो मैं एक और बात नोट करें कि यहाँ पर ये जो फूल लगे हुए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, ये कोई आम जगह नहीं है, ये है बस स्टॉप। यहाँ पे बस स्टॉप आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, लगा रहे हैं। और देख सकते हैं मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर इन लोगों ने शॉपर बिछाया है और शॉपर के ऊपर फिर दोबारा मिट्टी। और अभी काम जारी है, देखते हैं यहाँ पर क्या बनाएंगे ये लोग, क्या नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। जो आने सारा मिस्सा हाँ खड़े हो भाई, यहाँ पे अगर रेंट पे घर लेना है तो फिर जो है ना, ये बता दें कि ये जो है ये इस बिल्डिंग में आपको किराए पे जगह मिल जाएगी। ये गांव देहात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गांव देहात में भी जगह किराए पे मिल जाएगी। इन साहब से मैंने पूछा है कि जगह है किराए पे, तो इन्होंने बताया है। ट्रैक्टर देख सकते हैं, वन लाइट ट्रैक्टर। वैसे तो चावल की फसल की कटाई हो चुकी है, मगर यहाँ पे अभी कुछ एक कनाल तकरीबन लगा हुआ है चावल। यहाँ का चावल पाकिस्तानी चावल से बिल्कुल डिफरेंस होता है। यहाँ का चावल का साइज़ बिल्कुल बहुत छोटा होता है, और इसके अलावा चावल जुड़ जाते हैं जब पकने के बाद। पाकिस्तानी चावल खिल जाते हैं, यहाँ पर ये चावल जुड़ जाते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा आया हुआ है, आप देख सकते हैं इतना ग्रीनरी माहौल, इतनी खूबसूरत सीनरी। वाह भाई, खाना खाने के लिए पहुंची हूँ कोरियन रेस्टोरेंट। ये है भाई खिमची खिमपप। खिमची खिमपप में ये जो ऊपर जो है ये मछली की जिल का जो है ऊपर, ये अंदर चावल है और इस तरह का मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, खिमची वगैरह और सलाद वगैरह के साथ ये खाएंगे। और साथ खिमची है, मूली है और सूप है। ये सोचा जाए तकरीबन पाकिस्तानी 300 रुपये में मिला है ये खिमची मूली सूप। और ये इतना महंगा खाना नहीं है, ये साफ़ सुथरा है और गजाइय से भरपूर है। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया खाना खाने का। आप लोगों को मज़ा आया है, वीडियो एंजॉय किए तो आप लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।